नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 का अभी अभी आ चुका है, मतलब उसका शॉर्ट नोटिस एक न्यूज़पेपर में आया है, तो हम वो भी देखेंगे। लास्ट ईयर मैंने इसका प्रीलिम क्रैक किया था और मेंस भी दिया था, लेकिन मेंस क्रैक नहीं कर पाया था, तो वो उसके दोनों को मार्कशीट भी हम देखेंगे और इसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली वो भी हम देखेंगे, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है। सो लेट्स बिगिन विद द क्राइटेरिया। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ये न्यूज़ जो आया था, इसमें 82 वैकेंसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और यहाँ पे जो 9 वैकेंसी स्पेशली हिंदी के लिए है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे 50% एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट 50% आपको ग्रेजुएशन को एग्रीगेट चाहिए, मतलब एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। आपके जो सब सेमेस्टर से उनका एवरेज निकाल के जो एग्रीगेट मार्क्स आते हैं उतने मार्क्स एटलीस्ट 50% आपको चाहिए। अब उसका जो टोटल सैलरी जा रहा है दोस्तों, ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स, तो वो है 32,000 के अराउंड जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कब से स्टार्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन, 14 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद दोस्तों ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, मेरा मानना ये है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका प्रीलियम हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक में इसका प्रीलियम हो सकता है। प्रीलियम के होने के चांसेस मोस्टली नवंबर फर्स्ट वीक में ही होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्या पैटर्न था लास्ट ईयर। सो दोस्तों इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल IBPS का पैटर्न। क्या है कि रीजनिंग मैथ, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स 35-35 और इंग्लिश 30 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें अलग देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंग्लिश आपको 40 मार्क का देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चंस, कॉन्ट भी 30 एंड रीजनिंग 30-30। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो पैटर्न पूछा गया था, कंपोजिट टाइमिंग तो सेम, यहाँ पे कंपोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइम नहीं है, लेकिन इस बार का नोटिफिकेशन में अब जो कुछ भी चेंजेस हम देखेंगे, जो कुछ भी नोटिफिकेशन 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 40 जो रीजनिंग लैंग्वेज पूछा जाता है थोड़ा हम अच्छे लेवल का पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग यहाँ पे इजी लेवल का आता है, तो लगभग सब बंदे 30-30 वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत आपको टाइम लग जाता है क्योंकि 40 क्वेश्चन से और 20 मिनट में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मेंस का पैटर्न दोस्तों, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव, तो ये जो 4 सेक्शन है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है और अदर 30 मिनट्स आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलेंगे। ये जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए जनरल अवेयरनेस में, इसमें आपको स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग का ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि ये नाबार्ड की एग्जाम है और नाबार्ड ग्रेडेड डेवलपमेंट असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर में जो कुछ भी लेवल के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको दोस्तों आपको 3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, और 3 टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखना है। एसे आपको 20 मार्क का आता है, एसे आपको 20 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद लेटर राइटिंग आपको, लेटर 15 मार्क्स का एंड प्रिसाइज राइटिंग आपको 50 मार्क्स का एंड एसे 20 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे बात देखेंगे कि लास्ट ईयर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कितने मार्क्स आए थे। तो ये प्रीलिम का स्कोर कार्ड है दोस्तों, मेरा यहाँ पे प्रीलिम का स्कोर कार्ड है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में 38 अटेम्प्ट किए थे तो मुझे 20 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। रीजनिंग में मैंने 27.50 मार्क्स, हालांकि मैंने यहाँ पे 29 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे 1.5 मार्क कम मिला है, शायद इजी आ गया होगा मेरे शिफ्ट में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 30 किए थे, मेरे 2-3 गलत थे शायद इस बार, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम हो गया था। टोटल स्कोर यहाँ पे 72 मेरा बन रहा था, सॉरी 73.25 और कट ऑफ था 72 OBC का, ये महाराष्ट्र का दोस्तों। लास्ट ईयर बहुत कम वैकेंसीज थी, 7 ओपन के लिए थी महाराष्ट्र से, 7 OBC के लिए थी, 1 SC के लिए थी, 1 ST के लिए थी, तो ये टोटल मिला के लास्ट ईयर 62 ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज थी, और ये महाराष्ट्र के लिए नहीं होता, ये हेडक्वार्टर करके एक जो रीजन आता है उसमें वैकेंसीज आती है, तो आपको वहाँ पे महाराष्ट्र रीजन देखने को नहीं मिलेगा, आपको हेडक्वार्टर रीजन देखने को मिलेगा। तो यदि आप देख सकते हो दोस्तों इतनी कम वैकेंसीज होके भी यदि कट ऑफ इतना कम जा रहा है, इसका मतलब इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, जो इंग्लिश का लेवल है ना बहुत अच्छा लेवल का होता है यहाँ पे, अच्छे लेवल का इन द सेंस मॉडरेट लेवल का होता है, जो हम नॉर्मल से ट्रेंड देखते हो IBPS के पैटर्न में वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे RC डोमिनेट कर जाता है और थोड़े आपको फ्रेजेस एंड स्पॉटिंग एरर थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अच्छा लेवल का एग्जाम है और पोस्ट भी बहुत अच्छा लेवल का है। तो इसके बाद दोस्तों मेंस का कट ऑफ देखेंगे, सॉरी मेंस का स्कोर कार्ड देखेंगे हम। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे मेंस दिया था, यहाँ पे मैं 30 अटेम्प्ट करना चाहता था, लेकिन 30 अटेम्प्ट नहीं हुए क्योंकि बहुत ईजी पेपर था, मेरा एक पजल नहीं बैठा था, इसलिए मुझे यहाँ पे कम मार्क्स है, शायद इसी की वजह से मेरा पोस्ट भी गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी की यदि बात करो दोस्तों, ये बहुत मॉडरेटली टफ लेवल का आया था, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो सेक्शन कट ऑफ से सिर्फ 4.25 का सेक्शन कट ऑफ लगा है, इसका मतलब मॉडरेटली टफ आया था। जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा लेवल का आया था, यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन नाबार्ड का जो रूरल डेवलपमेंट का और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स है वो मैंने अच्छी तरह से नहीं पढ़े थे, शायद
मुझे पढ़ने के लिए उसका मटेरियल भी नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा स्कोर यहाँ पे भी कम हो जाता है। तो आपको ज़्यादा जनरल नॉलेज में नाबार्ड रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हुई है वो ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है। कंप्यूटर नॉलेज एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे है जो बहुत ईजी आया था, ये आप इसी की तरह से देख सकते हैं क्योंकि 19 का कट ऑफ भी लगा यहाँ पे, सेक्शनल कट ऑफ 19 लगा है, मतलब ईजी लेवल का है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मैंने आपको बोला कि 3 सेक्शंस में आया था, लेकिन टाइम 30 मिनट्स बहुत कम हो गए थे मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने टाइप भी किया था, कभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया नहीं था, तो शायद मैं 35 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया था। थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह नॉर्मल सा जो कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है लेटर का, ऐसे का, वो यदि आप अच्छा करोगे तो आपको बेसिक मार्क्स भी एटलीस्ट मिल जाते हैं। 20 मार्क्स तो किसी को भी मिल गए होंगे क्योंकि उसी के ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो कंप्यूटर एज चेक होता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। शायद मेरे थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगे इसलिए मैं 35 में से आउट ऑफ 27 तो भी ले पाया। तो मेरा ओवरऑल स्कोर यहाँ पे दोस्तों 110.75 था आउट ऑफ 125.75, तो मेरा ऑलमोस्ट 15 मार्क्स से ये एग्जाम नहीं निकला था, 15 मार्क्स से मेरा एग्जाम रह गया था। दोस्तों अब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर मेन्स का कट ऑफ कितना था। सो लास्ट ईयर यहाँ पे मेंस का कट ऑफ यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट एंड वेट लिस्ट ये दोनों टाइप के कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एट द बॉटम ऑफ दिस पेज कि SC ST OBC PWD नेक्स्ट सर्विसमैन के लिए अलग है, IUR के लिए अलग है। यदि हम रीजनिंग की बात करेंगे या आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा इसका, बाद में जूम करके देख लीजिएगा, रीजनिंग का कट ऑफ 17, ओपन का 7, कॉन्ट का 7 है ओपन का, जनरल अवेयरनेस का 13.25 है एंड 21.75 कंप्यूटर नॉलेज का है। और यहाँ पे कट ऑफ्स भी दिए है, वेट लिस्ट का कट ऑफ कितना है और सिलेक्टेड लिस्ट का कट ऑफ कितना है। सो ये टोटल बातें यहाँ पे हो गई दोस्तों। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आएगा तब हम इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन और आपको बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार आई है कि लास्ट ईयर 62 वैकेंसीज थी, दिस ईयर हमें 82 के अराउंड देखने को मिल रही है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वैकेंसीज अच्छा है और शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के लिए भी हो सकती है। सो मैं चाहूँगा कि आप जो अभी भी बैंकिंग का सीरियस बहुत सीरियस बंदे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आप ये फॉर्म फिल करें क्योंकि जॉब भी बहुत अच्छा है और करियर एस्पेक्ट्स भी इस पर बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।